हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी मेरी इस वीडियो में पेंगुइन का फेस मास्क बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट कलर का पेपर ले लिया है, क्योंकि पेंगुइन जो होते हैं वो वाइट और ब्लैक कलर के होते हैं। तो मैं उसका फेस ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं इस तरीके से कट कर लूँगी ताकि दोनों साइड से बराबर कट हो। मैं मेरी हर वीडियो में ऐसे ही फेस मास्क को कट करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा फेस कट हो चुका है, देन इसके बाद मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लूँगी कि मुझे कहाँ क्या बनाना है, तो मुझे फेस मास्क बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, और जो मैं ऊपर स्पेस छोड़ रही हूँ वहाँ पे मैं ब्लैक कलर करूँगी। हम ब्लैक कलर की जगह ब्लैक पेपर को भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। आप भी कलर ही करें। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक का ब्लैक कलर ले रही हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर मैं फटाफट ब्लैक कलर आपको करके दिखाऊंगी। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूंगी, क्योंकि कलर करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट कलर कर रही हूँ। इस तरीके से हम पूरा नीचे तक कलर कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा कलर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं लूँगी येलो कलर, जिससे मुझे नोज़ बनानी है। तो मैं सोच रही थी पहले कट कर लूँ, पर नहीं, कट करने से पहले मैं ड्रॉ करके दिखा दूँगी तो आपको समझ जाएगा कि मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद हम दोनों साइड से एक साथ ही कट करेंगे, ताकि दोनों साइड से बराबर कट हो जाए। तो हमने इस तरीके से इसकी नोज़ बना ली है। अब मैं इसकी आईज़ बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, तो ब्लू कलर के पेपर को हम इस तरह से कट करेंगे। हम इसकी गोल आईज़ भी बना सकते हैं, पर ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती है। देन ब्लू कलर के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक कलर का पेपर। इसी तरीके से हमें इसे कट करना है, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा रखना है। फिर ब्लैक कलर के पेपर के बाद हम लेंगे वाइट कलर का पेपर, और हमने जो ब्लैक कलर का सर्कल कट किया है उससे और छोटा हम वाइट कलर का सर्कल कट करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से कट तो किया, पर वो थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो अब मैं इसे थोड़ा और कट करके इसे छोटा करूँगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने इसे छोटा कर लिया है, और ये अब अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके बाद इसके छोटे छोटे हेयर बनाना चाहती हूँ, तो मैं ब्लैक कलर का पेपर ले रही हूँ। वैसे पेंगुइन के हेयर होते नहीं हैं, बट मुझे लग रहा था कि थोड़ा क्रिएटिव करना चाहिए, इसलिए मैं इन्हें लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम इन्हें कट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर इसे नहीं भी लगाएंगे तो भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने इन्हें कट कर लिया है, और अब हम फेविकॉल लेंगे और इन सभी को फेविकॉल से पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इन्हें रख के दिखाया है। तो अब मैं वीडियो को फास्ट करके दिखाऊंगी, जिससे मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। हमें जैसे मैंने सभी को रख के दिखाया था, वैसे ही हम सभी को पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद मैंने मार्कर लिया है, जिससे मैं इसकी आइज़ बना रही हूँ। मैं यहाँ पर मार्कर की हेल्प से आउटलाइन कर दूंगी, जिससे यह और अच्छा लगेगा।
अगर आप ऐसी और भी एनिमल और बर्ड के फेस मास्क की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट गैलरी पर जाकर देख सकते हैं। और क्राफ्ट से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। अब मेरी आउटलाइन कम्प्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर मैं इसकी नोज़ बनाने के लिए दो सर्कल पेस्ट कर रही हूँ जो कि मैंने अभी कट कर लिए थे। यहाँ पर मुझे इसकी आइज़ थोड़ी सही नहीं लग रही थी तो मैंने उसे सुधार लिया जाए, तो मैंने जो सर्कल बनाए थे उसे थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो यहाँ पर अब मेरा फेस मास्क रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।